अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैर के साथ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं एक लुक क्रिएट करने जा रही हूँ, रिक्रिएटेड लुक के भी, और लेट्स सी चलते हैं आगे। आयजा खान की लुक है और चेक करते हैं कि उन्होंने कैसे मेकअप किया है। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बट देखते हैं इतना क्लासी मेकअप इतना ईजी वे में कैसे कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका कर रहा है। सबसे पहले मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। मेबलिन बेबी स्किन का ये जो सा है प्राइमर है और बहुत ही स्मूथ स्किन हो गई है। पोर्स मिनिमाइज एंड देन इसको मैं फिट मी की बेबी स्किन फिट मी मेबलिन की ही यूज करूँगी। फाउंडेशन अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस में, अब इसकी ब्लेंडिंग कर लेते हैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। फाउंडेशन अच्छे तरीके से ब्लेंड कर चुकी हूँ, आईज के ऊपर मैंने फाउंडेशन ही अप्लाई कर ली है और फाउंडेशन ब्लेंड हो गई है। अब हम इसको लूज फेस पाउडर के साथ जो होता है वो ब्लेंड कर लेते हैं, टैप कर लेते हैं। ये मीडियम कवरेज बेस होती है मेबलिन की फिट में, इसको फुल कवरेज जो है वो फेस पाउडर के साथ किया जाता है। तो मैं इसको कॉम्पैक्ट लगा के आपसे मिलती हूँ और ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। नाउ बारी है कंट्रोल की। कंट्रोल के लिए ये ब्रश लूँगी, कंट्रोल ब्रश और कंट्रोल पैलेट में ली, और इसके साथ जो सा है ये शेड लाइट ब्राउन जो सा शेड है इसके साथ जो सा मैं कंट्रोलिंग करूँगी। कंट्रोल में अपना सारा डम कर चुकी हूँ, अब कंसीलर अपने छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। यहाँ पर ब्रेकिंग रेवोल्यूशन का यूज कर रही मैं, ये बहुत ही मजे का है, बहुत ही आपको जो है ना एचडी लुक देता है। That's why मैं रेवोल्यूशन पर ही चाहती हूँ। आई मेकअप की बारी है, उससे पहले सबसे पहले आईब्रो फिल कर लेते हैं। आईब्रो के लिए जो मैं आई यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल डार्क ब्राउन कलर में। आईब्रो फिल हो गई है एक, ये आईब्रो पेंसिल में इसके साथ ब्रश भी है, इसके साथ यहाँ पे आईब्रोज डन हो चुकी हैं और ये मैंने मिनीसो की पेंसिल लाइट ब्राउन शेड से फिल की हैं। ये पेंसिल बहुत मजे की है, इसमें बहुत ही मजे की और इतनी नेचुरल वे में ये आईब्रो को फिल करती है और इतने इजी इसके साथ फिल करना। जो लोग बिगनर्स हैं, जो न्यू मेकअप सीख रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी हैं, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी अप्लीकेशन बहुत ईजी है और जो पैलेट यूज़ नहीं कर सकते वो इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत ही मजे। आते हैं आई शेडो की तरफ। मेरे मोस्ट फेवरेट जो सा है ये पैलेट मैं यूज़ करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मजे के, बहुत ही पिगमेंटेड शेड में इसके, और मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ। मैं लाइट पीच सा शेड लूँगी, लाइट लास्ट वन में पीच शेड लूँगी और मुझे बहुत मजे का लगता है। ये नेचुरल वे में जाता है, नेचुरल टोन्स में जाता है मेकअप। मैं मैट शेड जो सा है पीछे शेड लगा चुकी हूँ, उससे पहले साथ ही मैं उससे पहले हाईलाइट कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज को और
का हाईलाइटर भी बहुत ही मजे का है, ग्लो चेक करें, बहुत ही मजे की है। दोनों आईज पे हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है मैंने, ये हो गया हाईलाइटर अप्लाई। और इतने पिगमेंटेड शेड है, जस्ट वन टाइम हम ब्रश टच करते हैं, इतना मजे का ये देता है शेड। अब मैं एक गोल्ड लुक में जाऊंगी, बिल्कुल लाइट सा कोको गोल्डन मिक्स शेड है। और यहाँ पे मैं ये शिमर ग्लिटर यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे अब लाइनर की बारी है, लाइनर अप्लाई कर लेती हूँ। स्पेशल सब कर रही हूँ, एक्वा का लाइनर यूज कर रही हूँ, जेल लाइनर मैं यूज नहीं करती। तो जेल लाइनर जो है वो फिनिश नहीं देता आपको, जो कि ये देते हैं। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे हम। अंडर आई भी इसको मैं आंख के अंदर भी ऐसे गाजनर जो मैं स्मच कर चुकी हूँ, ब्राउन शेड के साथ भी और ब्लैक शेड के साथ भी, और जितना भी एक्स्ट्रा नीचे गिरा है आपके को मैं ब्रश कर लूंगी। लैशेज अप्लाई करने से पहले लैशेज को थोड़ा सा मैं साफ कर रही थी, जो कि आई शेडो गिरा है वो लैशेज टर्नर से लैशेज टर्न अप्लाई करना चाह रही हूँ, वो ये हुदा बीटी की है 3D। ये लैशेज मैं अप्लाई कर चुकी हूँ एक, और सेकेंड लैशेज जो है मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। और लैशेज अप्लाई करने के लिए लैशेज पे थ्रू थोड़ी सी आपने उसको ड्राई करना है, और बहुत ही इजीली आपने एज से अप्लाई करनी है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो लैशेज थोड़ी कट कर सकते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखें, अब मैं इसको बाद में ऐसे प्रेस भी करती हूँ, उससे ये यकजान हो जाती हैं दोनों लैशेज। लैशेज अप्लाई कर ली हैं, बहुत ही लाइट वेट लैशेज हैं, इतनी हैवी मतलब लग रही हैं, लॉन्ग लॉन्ग लैशेज लगा ली हैं मैंने, बट बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने कुछ आर्टिफिशियल आंखों को लगाया। 3D लैशेज का फ़ायदा यही कि बहुत ही नेचुरल, आपको नेचुरल लुक के साथ साथ आपको खुद भी फील होता है बहुत ही नेचुरल है। मस्कारा अप्लाई करने लगी हूँ मेबरीन का गो एक्सट्रीम लेवल वाला, बहुत ही मजे का फुल हैवी लुक देता है लैशेज को ये। मैं इसको बिल्कुल माइनर से अप्लाई करूँगी, ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे लैशेज अप्लाई की हुई हैं, मुझे इतनी हैवी लुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैशेज ने पहले ही हैवी लुक दे दी है। अब ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइलाइटर फिंगर की अच्छे हाइलाइटर लगा लिया है। और यहाँ पे आप लिपस्टिक की बारी है, लिपस्टिक मैं न्यू यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की, 301 नंबर है इसका।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मैंने लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो मैंने सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। जय नेक्स्ट वीक के साथ फिर से मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।